ये जो आपके हाथ में जो चेन है ना, ये आप किस लिए डाले हैं? ऐसी चुप ऐसी डाले हुए चेन शो को डाले हुए। ये कान में ये क्या बोलते बाली है, तो ये किस वजह से डाले बेटा आप? मैंने शौक से फैशन वाले डाल लिया, ऐसी बाहर घूमने करने निकले तो डाल लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपका नाम? मेरा नाम शेख उमर है। मेरा नाम सैयद मुजफ्फर है। मोहम्मद गौस है मेरा नाम। माशाल्लाह, हम लोग नौजवानों में इस्लामी दावती काम करते हैं और लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं जी, और लोगों की इस्लाह करते हैं ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो जी। तो आज का हमारा सवाल है, जैसा कि मेरे पास दूसरे सवाल थे लेकिन मैं बस चीज़ें देख रहा हूँ इसके मुताबिक सवाल करूँगा। ये जो आपके हाथ में जो चेन है ना, ये आप किस लिए डाले हैं? ऐसी चुप ऐसी डाले हुए चेन शो को डाले हुए। माशाल्लाह। और आपके पास भी ये जो आपके बता इधर पलटा, ये कान में ये क्या बोलते बाली है, तो ये किस वजह से डाले बेटा आप? मैंने शौक से फैशन वाले डाल लिया, ऐसी बाहर घूमने करने निकले हो तो डाल लिया। और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें पहनते हैं, चेन कोई पहन लिया, कोई गले में चेन, जैसा कि आपके पास चेन भी है यहाँ पर, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो बच्चों को नहीं मालूम है, इस्लाम में जो है ना इन चीज़ों को मना किया गया है, यानी ये औरतें पहनने की चीज़ें हैं, लड़कियां पहनती हैं, कान में बाली बोलिए और चेन गोल्डन चेन वगैरह, तो ये हमारे पास इस्लाम में मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लानत है उन लोगों पर जो औरतों का जेवर पहनते हैं, औरतों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं, और लानत है औरतों पर जो मर्दों की तरह मर्दों का लिबास पहनती हैं, मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करती हैं। तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो गया, आप इंशाल्लाह इसको निकाल देंगे और इंशाल्लाह आप लोग दीन की बात को सुनेंगे और उसको अमल करेंगे। बेशक 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 आप। और माशाल्लाह आपके पास कुछ भी नहीं है देख रहा हूँ मैं, तो ये क्या सबब है? आपके दोस्त है ना, तो आप क्यों ना डाले? जी मेरे को एकदम सिंपल रहना पसंद है, एकदम सीधे रस्ते पे चलना पसंद है, ये जाहिलों के रस्ते पे जाना है वो नहीं है अपन को। और चाहे बोले तो अपने घर में चाहे सीख ऐसा जिए नहीं, चाहे अपने घर में थोड़ा टाइट करके रखते हैं। तो अपन वालदेन की तरबियत है आपके? जी, तो अपन चाहे थोड़ा ऐसा फिल के करके ब्लॉग वगैरह बना लेते हैं, ये बस ये काम कर लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग भी ब्लॉग बनाते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है शेख उमर 57 है, इंस्टाग्राम का भी शेख उमर 57 है। तो किस किस्म के वीडियोस डालते हैं आप लोग? जी मैं हर एक किस्म की वीडियो डालता हूँ, जैसा कॉमेडी की वीडियो डालता हूँ, थोड़ा सिख की वीडियो डालता हूँ, जैसा दुकानों की ब्लॉगों की वीडियो डालता हूँ। जी दुकानों से फ़ोन आ करके कमेंट करते बोलते बुलाते दुकान पर वीडियो बनाने घर से। जी आप लोग कीजिए काम ये, क्योंकि रोज़गार है, आप किसी अच्छे चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को देखा जा रहा है कि नाचना गाना म्यूज़िक वगैरह, आपको मालूम है जब आदमी मर जाता है ना तो उसके अच्छे और बुरे अमल बाकी रहते हैं। जी, 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 जी। अगर कोई अच्छा दीन के बात करेंगे आप लोगों को, जैसा कि हम आपको बताएं कि भाई ये काम नहीं करना, ये नबी करीम सल्लम की हदीस बताए, तो हमारे मरने के बाद भी जो है ना ये रील चलती रहेगी और आपको इसका अजर मिलता रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि दीन का काम कीजिए, व्लॉग्स को बनाइए आप लोग, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खैर के लिए इस्तेमाल कीजिए, किसी को अच्छा दिखाए, किसी को यानी गलत के रस्ते से बचाए के नेक के रस्ते पे चलाए, और पब्लिक को चाहे खरा बोरानी में रहती तो खरा पब्लिक भी हंसना, तो वीडियो ऐसी बनाना है, जाना वीडियो ऐसा बना बनाए अपन जो आखिरी हट पार कर दे, यूट्यूब चैनल भी अपने को जो ब्लॉग में से अनफॉलो कर दे। जी माशाल्लाह बेटा, आप क्या निकाल सकते हैं चेन? बिल्कुल बिल्कुल, जजाकल्लाह खैर। आओ आप बेटा, मैं भी निकाल लेता हूँ साहब चेन निकाल। माशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह इस्तेखामत दे और दीन पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकअल्लाह खैर बेटे, आप लोग मेरी बात सुन इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर जी, शुक्रिया।